पांचवा नंबर होगा ना, सिर्फ टेस्ट या फिर मैजेंटा डाई टेस्ट या फिर फ्यूजन टेस्ट। Only aldehyde. Only aldehyde. FUS. It is FUS. Fuchs test. देखिए बच्चे हम लोग क्या होता है सिप्स रिएजेंट, सबसे बाद में लिख लेंगे अपन, लिखा है सिप्स रिएजेंट। इसका कलर क्या होता है? पिंक होता है। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहां, यदि इसको SO2 से पास कर दो तो दैट बिकम्स कलरलेस। फर्दर एल्डिहाइड से यदि पास कर दे अपन तो पिंक कलर रिस्टोर हो जाता है। लिख लीजिए सर, ये मतलब बस अल्डिहाइड्स के लिए टेस्ट है ना? हाँ जी सर। आपने ये मैंने बोला आर सी ओ आर डेट इज कीटो कलरलेस इज इट मींस नो रिएक्शन। अरे बोलो हाँ। यस सर। बात करें बच्चे अपन लोग क्या होता है सिप्स रिएजेंट, पहले इसका देख लेते हैं अपन लोग। तो सिप्स बेस तो क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, दैट इज 2 डिग्री अमाइन विद डबल बॉन्ड, बट सिप्स रिएजेंट एक ही होता है, दैट इज पैरा रोजानिलीन। हाइड्रो क्लोराइड पैरा रोजानिलीन हाइड्रो क्लोराइड। यदि इसका स्ट्रक्चर देखिए आप अपनों, दैट इज सिप्स रिएजेंट। तो आपने क्या लिखा है मैजेंटा डाई टेस्ट के बाद में? हाँ जी, हेडिंग में थर्ड वाला क्या लिखा है आपने? फ्यूजन FUSCHIN फ्यूजन। सर दो और दो चार बैलेंस ही हो रही है, इन दैट केस इट इज अ डबल बॉन्ड।
हाँ जी बोलिए। सर ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ऑब्जर्व्ड होते हैं या डिराइव्ड होते हैं? बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्टेयर होते हैं, है ना। जितने भी डाई वगैरह होंगे वहां पर क्या होगा, आपको डाइएजोनियम सॉल्ट मिलेगा। बेसिकली इट इज नॉट डाइएजोनियम सॉल्ट, इसको बोलते हैं अपन लोग क्या, मैजेंटा डाई। पर मैजेंटा तो कलर होता है ना सर, ये तो उसका नाम थोड़ा ना हुआ। मतलब तो डाई भी तो कलर ही होते हैं। आपने बोला ना डाइएजोनियम सॉल्ट, मतलब ऐसा कुछ और नाम होता होगा ऐसा? नहीं, डाइएजोनियम सॉल्ट जितने भी होंगे उनसे डराइव जो होते हैं आपके वो डाई होती है बेसिकली, ठीक है ना। माय कपलिंग रिएक्शंस। अच्छा लिख लिया? नहीं सर। यदि ऐसे हम लोग SO2 पास कर दें, ये बेसिकली यार देखो इतना तक ठीक है, इसके आगे आपको देखना है तो वो आपकी चॉइस है, बजर दे दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो जो कलरलेस सब्सटेंस बनता है दैट इज बेसिकली क्या होता है, आपको NH3 पॉजिटिव Me NH2 H2N that is colorless। इससे हम लोग किसी भी टाइप का aldehyde पास करते हैं तो पिंक कलर आता है। चलो क्या पी रोसो? ओ हीरो आयुष चौधरी। हाँ सर। क्या बोल रहे हो ये? पांच बॉन्ड बना रहा नाइट्रोजन, कहाँ बना रहा पांच बॉन्ड? मुझे लगा सीएल भी जुड़े। NH2 CL और डबल बॉन्ड लगा दिए तो नाइट्रोजन तो चार ही बॉन्ड बना रहा, दैट इज आयनिक बॉन्ड ना? हाँ सर। ये भी काउंट करेगा कोवेलेंट में? नहीं सर। सर वो क्या लिखा है? पी पहला रोसानिलीन। अच्छा तो चार बॉन्ड बना लिए उसने, तो इलेक्ट्रॉन्स तो गए ना उसके, अगला आयनिक के लिए भी लाया कहां से उसने? मतलब कहीं के लिए चार बॉन्ड बना लिए, हां ठीक है, चार बॉन्ड हो गए तो अपन का पॉजिटिव चार्ज होगा। हां तो न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव चार्ज नहीं लगेगा, सॉल्ट है ना। अच्छा ऐसा क्या, सॉरी यार तुम यार बुलाए ना, बेसिक कॉन्सेप्ट भूल गए। चलो लिख लिया? देखो आप लोग कुछ स्टार पॉइंट कंक्लूजन लिख रहे हैं आप लोग बेसिकली, है ना। टोटल अपन ने कितने टेस्ट लिख लिए? पांच। कौन कौन से टेस्ट थे? टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट का पहला, दूसरा फेलिंग एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन था, ठीक है। फोर्थ नंबर पे क्या था आपका? मर्क्यूरिक एंड मर्क्यूरस क्लोराइड। और फिफ्थ नंबर पे पढ़ा अपन ने सिप्स टेस्ट। बोलो हाँ है ना? यस सर। कंक्लूजन में पहला पॉइंट लिखना आप लोग, अबव फाइव टेस्ट आर ऑल्सो बी गिवन बाय, अबव फाइव टेस्ट आर ऑल्सो बी गिवन बाय HCOOH, मतलब फॉर्मिक एसिड। तो आपको पता है कि फॉर्मिक एसिड को आप लोग किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं इनटू रिस्पेक्टिव CO2 एंड वाटर। बोलो हाँ है ना? लिखना अबव फाइव टेस्ट आर आल्सो बी गिवन बाय फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट, अल्कोहल्स एंड कीटोन do not give alcohols and ketones, do not give above five test
डू नॉट गिव अबव 5 टेस्ट. क्लियर सर? वो आरसीएचओ एंड में सर क्या, अब क्या आपने प्रेसिपिट किया क्या सर उसको? क्या एंड में, लास्ट में एकदम कोने में SO2 पास करके ये कर ले सो आपको ना लिखा दो हम. आप लोगों ने अल्कोहल एंड कीटोन डू नॉट गिव अबव 5 टेस्ट लिख लिया. Yes, sir. Next point. Alpha hydroxy ketone. Alpha hydroxy ketone can also give above 5 tests because it get tautomerized into aldehyde by into it get tautomerized into aldehyde in alkaline medium. अरे बोलो सही है क्या? Tautomerized into aldehyde in alkaline medium. आपने अल्फा हाइड्रोक्सी बोला क्या? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कीटोन बोला था नहीं बोला था? कीटोन के अल्फा कार्बन दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज. तो बेसिकली देखिए अपन लोग टॉटोमेरेज हो सकता है, बोलो हाँ है ना? तो इसका कीटोन का इनॉल फॉर्म क्या होगा? दैट इज सी, इट इज OH डबल बॉन्ड, इट इज सी एच और ये आ गया OH. बोलो हाँ है ना? ठीक है. यस सर. नेक्स्ट, अब मैं एक काम करता हूं, इस इनॉल को कीटो में चेंज कर रहा हूं, इसमें कर दो सेम हो जाएगा और इसमें कर दिया, नेट केस क्या होगा? दैट विल अगेन कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड. तो सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट? ग्लूकोज. अरे बोलो हाँ है ना? हाँ सर. ग्लूकोज में तो एक कॉन्सेप्ट होता है आपका कि ग्लूकोज की सारी रिएक्शन फ्रक्टोज भी होता है. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ग्लूकोज सॉरी फ्रक्टोज क्या होता है? ग्लूकोज में चेंज हो सकता है. ठीक है, सर. इनटू एल्डिहाइड के बाद एसिडिक मीडियम है ना? हाँ जी. नेक्स्ट पॉइंट, एसिडिक मीडियम नहीं, बेसिक मीडियम बोला था मैंने. अल्कलाइन रिएक्शन लिखना है? हाँ जी बिल्कुल लिख लो. ये क्या था आपका? कीटोन था, दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो कि टॉटोमाइज हो गया इनटू अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में. लिखना आपको सो डैट, या फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फ्रक्टोज इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन. फ्रक्टोज इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन सो डैट इन बेसिक मीडियम, सो डैट इन बेसिक मीडियम इट गिव्स it tautomerize into glucose. क्लियर? तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि ग्लूकोज भी टॉलरेंसेस दे रहा था और फ्रक्टोज भी दे रहा था. तो फ्रक्टोज का रीजन क्या था? क्योंकि वो एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो सकता है. हाँ, बसरते वहां पर दो कंडीशन होती, इधर क्या होगा वो ग्लूकोज बनाएगा या फिर क्या बनाएगा? मेनोज बनाएगा. बोलो है ना? हाँ सर.
सर टॉटोमराइज के बाद क्या था? टॉटोमराइज इनटू ग्लूकोज सर, पर लेकिन वो शिफ्ट शिफ्ट तो नहीं देगा ना सर। क्यों, क्या दिक्कत है? एल्डिहाइड ग्रुप आ गया ना सर। पर आपने तो बताया लिखाया था कि वो नहीं देता। और नहीं देता ग्लूकोज शिफ्ट टेस्ट कहाँ देता है? हाँ शिफ्ट टेस्ट दे रहा है नहीं दे रहा, वो एक बेसिकली बात करे वो रिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात है। रिंग स्ट्रक्चर नहीं तोड़ पाएगा। हाँ ओपन स्ट्रक्चर होगा तो वो तो अनदर रीजन होगा ना, रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है तो यहाँ पर ये बताओ मेरे को, क्या मैंने ग्लूकोज और फ्रक्टोज के लिए लिखा कि ये सारे टेस्ट देखे? कहीं पर भी लिखा है क्या ऐसे? नहीं, इन पॉइंट्स में नहीं लिखा, मतलब ठीक है। हाँ ठीक है। अरे बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म से होगा ना टॉटोमराइज? सॉरी बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म, बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म है ना, कोई भी लगे बेस हो जाए या फिर एसिडिक हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप लोग। सर हां जी सर, आपने पहले लिखवाया था अल्कलाइन मीडियम, फिर अभी लिखवाया बेसिक मीडियम, कौन सा लिखा? अरे बहुत बढ़िया, लिखो आप लोग नेक्स्ट पॉइंट। हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल बायोमोलिक्यूल्स के नोट्स और ज्यादा अपडेट हो गए हैं और प्रॉपर हो गए हैं, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्वमेंट हो गई उनकी, मैं प्रोवाइड कर दूंगा उनको। ठीक है ना, लिखना आप लोग। हेमी एसिटल कैन ऑल्सो गिव, हेमी एसिटल कैन ऑल्सो गिव दीज टेस्ट बिकॉज on sir give ke baad kya tha? Gives these tests because on alkaline hydrolysis they decompose into alkaline hydrolysis. हाँ जी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के बाद अल्कलाइन हाइड्रोलिस दे डिकम्पोज इनटू रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड एंड अल्कोहल, डिकम्पोज इनटू रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड एंड अल्कोहल चाहो तो एक रिएक्शन और लिख लो। इट इज हेमिकेटल ना, सब कुछ चेंज कर देते हैं। अब बोलो भैया इसका हाइड्रोलाइज करेंगे अपन लोग तो एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा? बोले हमें एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। सी इस वाले कार्बन पे क्या है, एक हाइड्रोजन और जुड़ा हुआ, इन दैट केस ये बना लेगा CH और ये बन जाएगा आपका अल्कोहल। तो ये लिख दिया मैंने CHO और ये लिख दिया मैंने इट इज OH। तो बताइए क्या एसिटल भी ये वाली रिएक्शन देंगे, ये वाले टेस्ट देंगे? डेल्टा है ना सर, अच्छा हेवी एसिटल। हां जी एसिटल ये वाली रिएक्शन नहीं देंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज़ अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस नहीं होता उनका, किसमें होता? ओनली इन एसिडिक मीडियम। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। देखना एसिटल एंड कीटल आर स्टेबल इन अल्कलाइन मीडियम एंड डिकम्पोज ओनली इन एसिडिक मीडियम।
एसिटल एंड कीटल आर स्टेबल इन अल्कलाइन मीडियम एंड डिकम्पोज इन एसिडिक मीडियम सो डू नॉट गिव अबव टेस्ट सो डू नॉट गिव अबव टेस्ट लिख लिया अरे बोलो सो रिपीट कर देंगे वाला पॉइंट एक बार एसिटल एंड कीटल आर स्टेबल इन अल्कलाइन मीडियम एंड ओनली डिकम्पोज इन एसिड मीडियम सो डू नॉट गिव दीज टेस्ट डन यस सर चलो एक क्वेश्चन लिखो आप लोग Which of the following can give positive tolerance test? सर लंबा है क्या क्वेश्चन थोड़ा? लंबा 18 क्वेश्चन लिखा हुआ मैं स्ट्रक्चर्स लिखा हुआ एक लाइन में आप मैक्सिमम मैक्सिमम दो या तीन स्ट्रक्चर लिखेंगे either two can give or three. Which of the following can give tolerance test? Positive tolerance test. लिख लिया? चलिए इसके आगे पॉजिटिव और नहीं मतलब नहीं नॉट पॉजिटिव है लिखना है नेगेटिव हाँ नहीं पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट कौन कौन से पॉजिटिव टेस्ट देगी उसे उसको मार्क करना आप मतलब आगे कुछ लिखना नहीं है उसके नहीं यार आपने एक नंबर रिपीट कर दिया कौन सा सिक्स नंबर चलता है हाँ सर दिक्कत नहीं सर साइड बाय साइड लिखते जाना है ना पूरा हाँ आप तो कैसे भी लिखो आपको बस ये सारे क्वेश्चंस लिखना है ना मैंने बोला कि मैक्सिमम तीन क्वेश्चंस कर सकते हो आप एक लाइन में ना
चलिए सिक्स रिजा हो गया, चलो शुरू करें क्या? यस सर। पहला वाला टेस्ट देगा हाँ या ना? देगा। एलडीहाइड है? हाँ सर। दूसरा वाला टेस्ट देगा हाँ या ना? नहीं सर। सर एक मिनट बनाने दो ना। नहीं है, नहीं है। सर किसी को माइक चल? किसी का? माइक चल तो माइक चल रहा है ना, ये माइक बंद कर दो। ये लगा दिए अल्फा पे हाइड्रोक्सी और डेट इज 19 नंबर। चलो दूसरा टेस्ट देगा यस और नो? नो नहीं। कीटोन दिया है नहीं देगा हाँ है ना? नहीं देगा। चलो तीसरा देगा हाँ है ना? नहीं नहीं दिया है नहीं देगा बोलो हाँ है ना? देगा देगा देगा। नेक्स्ट है आपको दैट इज व्हाट एसिटल है? एसिटल एसिटल ये दोनों ही नहीं है। एसिटल दैट इज एसिटल फॉर्म नहीं देगा। दैट इज एमी एसिटल देगा। एमी एसिटल देगा बिल्कुल देगा। एसिटाइलीन दैट देगा 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 देगा। टेजर टर्मिनल एल्काइन आल्सो गिव टॉलरेंस। टॉलरेंस टेस्ट पीएच एनएचओएच क्या ऑक्सीडाइज हुआ था टॉलरेंस रिएजेंट से इनटू नाइट्रोसो बेंजीन? अरे बोलो हां सर देगा। यदि मैंने एक रिएक्शन मैंने के लिख लो बस ना। हां सर। क्या एसीटोन टेस्ट देगा? नहीं नहीं नहीं। क्या एसिडिक एसिड टेस्ट देगा? नहीं। क्या फॉर्मिक एसिड टेस्ट देगा? हां हां देगा। क्या फॉर्मेलिडिहाइड टेस्ट देगा? यस हां देगा। हां सर बिल्कुल देगा। क्या नॉन टर्मिनल एल्काइन टेस्ट देगा? नहीं। क्या ग्लूकोज टेस्ट देगा? देगा देगा। फ्रक्टोज टेस्ट देगा? हां नो सर बिल्कुल देगा। अरे भैया अमोनिकल है ना नहीं देगा। ये देगा नहीं देगा? देगा। That is hemiacetal देख पा रहे हो आप लोग? ये OH और it is OCS3 बोलो हाँ है ना? Yes sir। Test देगा। And that is again alpha hydroxy ketone test देगा हाँ है ना? हाँ sir। नहीं देगा। Why so? Alpha hydroxy ketone है लेकिन aldehyde में थोड़ी जाएगा ये? जाएगा क्या? अरे बोलो कीटोन यहाँ पर आएगा एल्डिहाइड थोड़ी बन पाएगा ये कॉर्नर पे होना चाहिए ना वो। आज नहीं समझा क्या? समझे सर। 19th वाला क्यों नहीं देगा? हाँ जी 19th वाला क्यों नहीं देगा? 19th वाला बिकॉज यदि ये टॉटोमराइज होगा लोग लिख लिया ना आपने? हाँ सर लिख लिया। ऐसे ऐसे ये महाराज भी चलो सी ये कंपाउंड दिया हुआ है बेसिकली ठीक है। हाँ सर। अब यदि इसको एनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड ये आ गया, ये आ गया H। हाँ। इसको यदि कीटो फॉर्म में करेंगे चेंज तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये वाला H यहाँ पर पहुंच गया तो ये भी तो अभी भी तो कीटो फॉर्म में है, कहाँ है एल्डिहाइड में? ठीक है सर। अल्फा हाइड्रोक्सी वाला जो हाइड्रोजन OH होता है दैट मस्ट बी कॉर्नर होना चाहिए इस चेन का ठीक है ना, तभी वहां पर एल्डिहाइड बना पाओगे। हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। चलो आगे बढ़ेंगे भैया। सर आपने इसके कंडीशंस कहाँ पे लिखाए थे? लिखना ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब ये बेसिकली आप लोग पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लिखना चाहो तो लिख लो। लिखना आप लोग
इससे पहला एडिंग दैट इज ब्रोमीन वाटर, इसको अपन लोग पहले भी पढ़ चुके हैं यदि याद हो तो आपको। यस हमने मार्कोनिकोव एडिशन पढ़ा था याद है? यस चलो उसको रिकॉल कर रहा हूं अभी जस्ट, फिलहाल में लिखना आप लोग, इट कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड, इट कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड बट नॉट अल्कोहल और इटोल। इट कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड बट नॉट अल्कोहल और कीटोन। नेक्स्ट नंबर नाइट्रिक एसिड, क्या सर? नाइट्रिक एसिड कीटोन के बाद हो गया है ब्रोमीन वाटर का। ब्रोमीन वाटर में लिख लिया आप लोगों ने, इट कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड बट नॉट अल्कोहल और कीटोन। सर इसकी मेन हेडिंग क्या थी? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो नाइट्रिक एसिड में लिखो इट कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड एज वेल एज 1 डिग्री ये प्राइमरी अल्कोहल। एल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल क्लियर? एल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल, 3 कार्बन का अल्कोहल, बोलो नाम क्या होता है? दैट इज क्या बोले इसको बोलो एल्डिहाइड। अरे बोलो दैट इज डी पहली कंडीशन है आपका ब्रोमीन वाटर, इन दैट केस बोलो क्या बनेगा? दैट इज एच ओ एच और सी एच ओ क्या होगा? CH2OH क्या होगा? Remain same? Yes sir. While यदि बात करें अपन लोग नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन कर दें, in that case that is aldehyde, ये तो होने ही है, और that is 1 degree बोलो yes or no? Yes sir. मतलब दोनों ही क्या होंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। In that case COOH कोई दिक्कत? नो सर। एक रिएक्शन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, इसका ग्लूकोज हाँ ओ एच CH2OH क्या होगा जब ऑक्सीडेशन यूजिंग ब्रोमीन वाटर करेंगे? ग्लूकोनिक एसिड। क्या होगा? ग्लूकोनिक एसिड। इट इज एच ओ एच ओ एच 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 ओ एच एच ओ एच सी एच टू ओ एच और ये हो गया COOH। क्या नाम होता भैया इसका? ग्लूकोनिक। दूसरा नाइट्रिक एसिड COOH HOH OH H HOH HOH COOH is known as what? Saccharic acid. इसको बोलते हैं बोलो ग्लूकोनिक
एसिड, एक नाम और बोल लो, दैट इज ऑल्सो बी नोन एज ग्लूकैरिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड या फिर बोलिए बोलो ग्लूकैरिक एसिड, बोथ आर सेम थिंग। सर यस सर बोलिए। सर मेरा नेट चला गया था, आप इस हेडिंग का पॉइंट रिपीट कर दीजिए। इसका ये वाले हेडिंग का ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पॉइंट रिपीट। पहले ब्रोमीन वाटर लिखा है, फिर नाइट्रिक एसिड, दोनों की छोटी छोटी एक लाइन डेफिनेशन लिखाई थी, मिल गया चार लाइन, चार लाइन छोड़ दे जो कुछ भी है, चार लाइन। सर सैक्रिक एसिड लिखा है, तीन शॉट ले लो। सर सैक्रिक एसिड लिखा है, हाँ जी इट इज सैक्रिक एसिड, एस ए डबल सी एच आर आई सी सैक्रिक। चलो एक रिएक्शन कंप्लीट करके दोगे मेरे को? सर एक मिनट लिखने दो ना। हाँ सर एक मिनट। हाँ तुम लोग करो उसको, तब मैं ऊपर एक रिएक्शन लिख रहा हूँ। सर डी के बाद क्या लिखा है? कहाँ पे बेटा? तो ऊपर वाली रिएक्शन में। हाँ एल्डिहाइड, आपको बताना है सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर यील्ड विच कंपाउंड, बता पाओगे? यस सर। बेटा नाइट्रिक एसिड क्या होता है, एक तो एल्डिहाइड को, दूसरा क्या होता है वन डिग्री अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करता है इनटू रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? तो ये वन डिग्री था इसलिए COH में आ गया, यहां पर ये वन डिग्री इन दैट केस COH में आ गया, ठीक है? चलिए बन गया ऑक्सीडेशन ऑफ, चलिए ऑक्सीडेशन using selenium oxide as कार्बोहाइड्रेट वाला खत्म हो गया। हाँ जी कार्बोहाइड्रेट वाला खत्म हो गया, वो बेसिकली इसलिए करा दिया मैं क्योंकि बायोमोलिक्यूल में देखे अपन लोग तो बायोमोलिक्यूल में पढ़ तो लिया था, लेकिन यदि ये पढ़ लिया होता तो वहां पर अपन लिखते भी नहीं उस रिएक्शन को। लिखना ऑक्सीडेशन बाय सेलेनियम ऑक्सी सेलेनियम ऑक्साइड, टेस्ट खत्म हो गया। हाँ जी सारी टेस्ट खत्म हो गई। कौन सा टेस्ट? ये जितने भी अपन ने बेनेडिक्ट कर लिए हैं इतना भी बहुत चलेंगे, ठीक है ना? टेस्ट ही टेस्ट चलना है, अमाइन से फिर से लौट के आएंगे, टेस्ट बहुत सारे वहां भंडार है टेस्ट। लेना इट ऑक्सीडाइज अल्फा मिथाइलीन, इट ऑक्सीडाइज अल्फा मिथाइलीन इनटू कार्बोक्सिल, सॉरी इनटू कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब बात करें बच्चे आप बोल लो कि यहां पर मैकेनिज्म नहीं देखना है यहां पे अपन को, ठीक है? बस ये देखना है कार्बोनाइल लगा है क्या, तो ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले भी करा चुका हूं, और सलीके से देखें तो ये लिखा है डबल बॉन्ड ओ, इसकी अल्फा पोजीशन दैट इज मिथाइलीन को हमें ऑक्सीडाइज करना है इनटू रिस्पेक्टिव कार्बोनाइल। तो भैया ये सी एच टू रहेगा वो ऑक्सीडाइज होगा कार्बोनाइल में, इन दैट केस कंपाउंड बनेगा दैट इज नोन एज व्हाट, ग्लाइऑक्सल, बोलो हाय ना? नेक्स्ट दिया है आपको कौन सी गाड़ी, दूसरा वाले ट्यूब से डाल दो, इस वाले टोर से डाल दो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 किसी एक ही साइड ऑक्सीडाइज करेगा, इन दैट केस बोलो क्या होगा भैया, इट इज SeO2, ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H, इट इज नोन एज व्हाट, क्या बोलते इसको बोल लो, मिथाइल ग्लाइऑक्सल, और बोलो सही है क्या? हाँ सर।
लेकिन इससे भी ज्यादा पॉपुलर नाम मेरे पास में है, क्या आपको पता है? That is called pyruvaldehyde. अरे बोलो CH3 COOH pyruvic acid. सुनेंगे? हाँ सर. चलिए नेक्स्ट एक और रिएक्शन देखते हैं. साइक्लोहेक्सेनोन दिया हुआ है, इसका रिएक्शन कराएंगे विद सेलेनियम ऑक्साइड से, तो क्या होगा? इट इज 1,2-diol बनेगा. नेक्स्ट कुछ डिफरेंट केस पढ़ते हैं अपन. फॉर एग्जांपल लिखा है इट इज CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH2 CH3. अब यहां पर देखिए कॉन्ट्राडिक्शन आएगा. बोलो हाँ या ना. एक बार चाहे तो हम लेफ्ट में और एक बार चाहे तो राइट में डबल बॉन्ड लगा सकते हैं. यस सर. ठीक है, तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग यहां पर कि दो कंपाउंड में एक मेजर कंपाउंड होगा और मेजर कंपाउंड किस टाइप से होगा उसके लिए हम एक प्रॉपर रीजन लिख लेंगे चाहे तो. दैट इज डबल बॉन्ड CH2 CH3. तो बेसिकली क्या होगा यदि हम टॉटोमराइज करें इन दैट केस यहां पर आएगा CH3 इट इज OH इट इज डबल बॉन्ड इट इज CH इट इज CH3. ठीक है, मोस्ट स्टेबल इनॉल. और इसका करना अपन को ऑक्सीडेशन करना है, तो बेसिकली क्या होगा आपका कि ये वाला कार्बन, अरे दिख नहीं रहा तुम लोगों को, दिख रहा है क्या? थोड़ा नीचे बस. यदि बात करें बच्चे अपन लोग एसिडिक मीडियम में देखें तो क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन इज अ डोमिनेंट फैक्टर. तो सबसे ज्यादा स्टेबल एनॉल क्या बनेगा आपका, ये बनेगा. और इन दैट केस क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा. तो दैट मस्ट बी क्या होगा, इट इज द मेजर प्रोडक्ट. तो जब कॉन्ट्राडिक्शन आता है तो हम स्टेबिलिटी ऑफ एनॉल कंपेयर करेंगे. ठीक है सर, एक बार वापस प्लीज सर. पहले ये लिख लो, देन एक थ्योरेटिकल पॉइंट लिखा दे रहा हूं. सर वो प्लस एच के रिस्पेक्ट में देखे क्या आपने? हाँ जी, लिखना अमंग टू डिफरेंट. सर एक मिनट ये लिख लेते ना, रिएक्शन वगैरह लिख लो. अमंग टू डिफरेंट मिथाइलिन मिथाइलिन विच इज different methylene among two different methylene a methylene which oxidized into carbonyl which oxidized into carbonyl whose which oxidized enol form whose enol form is more stable in acidic medium whose enol form is more stable in acidic medium. फिर बात करें सेलेनियम ऑक्साइड है तो वॉटर भी होता है और एसिडिक ऑक्साइड इन दैट केस क्या नेचर ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली क्या होगा, इट इज एसिडिक इन नेचर. अरे बोलो है ना. तो यदि मैंने बोला कि अल्कलाइन मीडियम में तो कॉर्नर वाला एनॉल ज्यादा स्टेबल होता है और यदि मैंने बोला एसिडिक मीडियम में तो बीच वाली अल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है. यदि आपको थोड़ा बहुत याद हो टॉटोमेरेज याद है क्या? अरे बोलो याद है क्या? ये पॉइंट का पढ़ा सर हमने, ये टर्मिनल वाला एसिड एंड बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म पढ़ाई है मैंने, नहीं पढ़ाई?
पढ़ाई है। तो बेस कैटालाइज में अलग टाइप का एनोल स्टेबल होता था और एसिड कैटालाइज में दूसरा ज्यादा स्टेबल होता था, यदि याद हो आपको, ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोनाइल। चलो कंप्लीट द रिएक्शन, बोलो कहां लग गया, लेफ्ट में कि राइट में? राइट में। बनेगी तो दोनों में से, लेकिन जो मेजर बनेगा वो ये होगा, दैट इज अ मेजर प्रोडक्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्या होगा यदि हम सेलेनियम ऑक्साइड से रिएक्ट करा दें विद 2-ब्यूटीन का, दैट इज अल्फा मिथाइलिन विल ऑक्सीडाइज इनटू रेस्पेक्टिव अल्कोहल। याद है क्या रिएक्शन? अरे बोलो, अल्कीन में पढ़ाई हुई है रिएक्शन ये वाली। तो यदि अल्कीन होता है तो अल्कोहल बनता है, और यदि अल्डिहाइड कीटोन होते हैं तो यहां पे डाइकार्बोनाइल बनता है। याद है नहीं याद? वो तो कार्बोनिल ही है ना सर, इसका इनॉल बनना है आपने। अरे शो इन अलग और ऑल अलग है, डबल बॉन्ड आ जाता। नहीं, आपने जहाँ OH लगाया वहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाता है, मतलब ये एलिलिक ऑक्सीडेशन वाला है। हाँ, दैट इज एलिलिक पोजीशन ना, तो दैट इज अगेन अल्फा पोजीशन बोलूंगा ना, का डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में पहला कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन ना। यस सर। दिक्कत क्या है? वो एलिलिक ऑक्सीडेशन में सिर्फ वहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो मिलता है। किसका? वहाँ पे तो सी डबल बॉन्ड हो मिलता है एलाइल का ऑक्सीडेशन में, लेकिन सेलेनियम ऑक्साइड यहाँ तक लेके आएगा। अब इसके बाद में आप कुछ भी कर लो, ठीक है? यदि कीटोन में कन्वर्ट करना है तो आपको दिए थे मैंने अराउंड 10-12 रिएजेंट, यदि याद हो। सेलेनियम ऑक्साइड डबल बॉन्ड के लिए यहीं पर स्टॉप कर, ठीक है ना? इसमें पहले डबल बॉन्ड लगेगा फिर बाद में OH आएगा ना? क्या लास्ट वाली इसमें सबसे पहले डबल बॉन्ड आएगा फिर बाद में OH आएगा ना, उसको और फर्दर ऑक्साइड करेंगे? क्या चाहता है डबल बॉन्ड सबसे पहले कैसे था ना? हाँ, अल्कीन दिया हुआ है ना कि एल्डिहाइड कीटोन, अल्कीन को ऑक्सीडाइज करता है इनटू रिस्पेक्टिव एलाइलिक अल्कोहल में, ऐसा बोल दे। हाँ सर, समझ गया, ठीक है। सो ये होगा भैया ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कंप्लीट। हाँ जी सर, वो सर वो फर्स्ट वाले इसमें मेजर कैसे हो गया वो? कौन सा सर? फर्स्ट वाले का प्रोडक्ट ऊपर वाला ना? हाँ सर। देख बात करें यार, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सी स्टेबल होगी बोलो? ऊपर वाली नीचे वाली? ऊपर वाली। ऊपर वाली, इन दैट केस यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है ना? दैट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज एसिडिक मीडियम होता है और एसिडिक मीडियम में क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन चेक करते हैं, ठीक है ना? ठीक है सर। चलो आगे बढ़े, क्या होते मतलब इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए अपन लोग ड्रास्टिक कंडीशन यूज करना होती और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करना होता है। तो स्टार्ट करें क्या? हाँ जी यस सर। आप लोग ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इसमें लिखना, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन कार्बन, कार्बन बॉन्ड ब्रेक, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक विच इज नॉट पॉसिबल। कौन सा बॉन्ड ब्रेक? कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक। ऑपोजिट कार्बन बॉन्ड तोड़ोगे तभी तो कार्बोक्सिलेट बनाओगे। अरे बोलो, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक विच इज नॉट पॉसिबल इन माइल्ड ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
नेक्स्ट लिखना आप लोग, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज ओनली डन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज, उसमें लिखा बेटा मैंने, विच इज नॉट पॉसिबल इन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज नॉट पॉसिबल यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. देन आफ्टर लिखा है मैंने, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज ओनली पॉसिबल इन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4 और अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 और नाइट्रिक एसिड, ये तीन रिएजेंट हैं जो ऑक्सीडेशन करते हैं और नॉर्मली ये भी नहीं करते. ठीक है, लिख लिया? यस सर. अब यार बात करें बच्चे, अपन लोग कीटोन में एक सी डबल बॉन्ड ऑलरेडी लगा होता है और चूंकि मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, इन दैट केस क्या कार्बोनाइल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा आपका, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, बोलो हाय ना. तो यहां पर क्या होता है कि C डबल बॉन्ड O किस कार्बन के साथ में, किस चेन के साथ में जाएगा, इसके लिए हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट इसी में, दैट इज पोपॉक्स रूल. इसमें ये नहीं सर, हाँ जी लिखना पोपॉक्स रूल, लिखना अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule C double bond O of ketone, according to this rule C double bond O of ketone will goes with that alkyl part, that alkyl part which has less number of, which has less number of carbon atom. Sir, C double bond O के बाद C double bond O goes with that alkyl part which has less number of carbon atom. क्लियर? यस. नेक्स्ट अगेन एक और पॉइंट लिखना आप लोग, हिसार पॉइंट, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज टेक प्लेस यूजिंग most stable enol form. Clear? बात करें अपन लोग, यहां पर लिखा हुआ है सपोज C डबल बॉन्ड O, इट इज CH3, क्योंकि एक सिमेट्रिकल कीटोन है, तो कंडीशन कौन कौन सी थी यदि याद हो आपको, तो KMnO4 दिया था either in acidic medium or basic medium, या फिर बात करें अपन लोग concentrated nitric acid, दोनों का oxidation same ही होगा. तो यहां पर देखे बच्चे अपन लोग, फिलहाल में यहां पर symmetry है, तो either bond आप यहां से break कर दो और यहां से break कर दो, तो एक part में दो carbon होगा, एक part में एक carbon होगा, बोलो yes or no. Yes, sir. In that case, दो कार्बन का एसिड बोलो क्या होता है, that is CH3,
सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और एक कार्बन का एसिड कौन सा होता बोलो? फॉर्मिक एसिड। यस सर। लेकिन फॉर्मिक एसिड की टेंडेंसी रहती है फर्दर ऑक्सीडाइज होता है इनटू CO2 एंड H2O CO2 एंड वाटर दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? मतलब यदि बात करें अपन लोग यहाँ पे लिखा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ दैट इज टू ब्यूटेनॉल। अब टू ब्यूटेनॉल में देखिए अपन लोग यहाँ पर चॉइस करना है अपन को कि बॉन्ड कौन सा जाएगा। बोलिए कौन सा जाएगा आपका? तो यदि बात करें बच्चे हम लोग यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहां पर एक दो तीन कार्बन हो जाएंगे और एक कार्बन हो जाएगा। लेकिन पॉप ऑफ रूल ने क्या बोला कि जिस अल्काइल पार्ट पर कम कार्बन है इस वाले पर एक कार्बन है इस पर दो कार्बन तो जिस पर कम कार्बन है उस साइड सी हो जाएगा। इन दैट केस बॉन्ड इस साइड से ब्रेक होगा। बोलो हाय ना कोई दिक्कत? अब बात करें बच्चे अपन लोग कितने कार्बन का एसिड बनेगा? दो कार्बन का एसिड। और यहां पर भी कितने कार्बन है? दो कार्बन। मतलब दो मोल ऑफ दो कार्बन का एसिड दैट इज COOH। समझे क्या? Yes, sir. सर वो दो मोल क्यों बने जी? दो मोल क्योंकि ये भी दो कार्बन और ये भी दो कार्बन। ठीक है। अब यदि बात करें अपन लोग यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया फॉर एग्जाम्पल डबल बॉन्ड कर दिया। अब बोलो सी डबल बॉन्ड किसका जाएगा? लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा? एक साइड तीन कार्बन एक साइड एक कार्बन। सी डबल बॉन्ड किसका जाएगा? एक कार्बन के हाथ में। इन दैट केस बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। यस। अरे बोलो सही है क्या? लुक इट इज ओ एच इट इज दिस वन दैट इज एनॉल फॉर्म। अब इसको हमें तोड़ना है इसको तोड़ना है। इन दैट केस क्या होगा? यूजिंग KMnO4 और अल्काइन मीडियम ये देगा आपका दो कार्बन का एसिड दैट इज CH3COOH और तीन कार्बन का एसिड दैट इज CH2COOH। बोलो सही है क्या? क्लियर है? हाँ सर। चलिए लास्ट सेक्शन जिसको आप कंप्लीट करेंगे और बताएंगे कि जो भी कंपाउंड है उसका कॉमन नेम क्या होगा। सर वो चार कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं दे सकता क्या? कौन सा? ऊपर वाला। तो पॉवर रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका? गलत हो जाएगा ना? कार्बन वाला दे देगा और दूसरा क्या देगा? एक CO2 दे देगा। दैट इज रॉन्ग ना? ठीक है ना? हां सर। तो पॉपअप ने क्या बोला है कि जहां पर कार्बन कम उस साइड CO चला जाएगा। ऐसे से इसमें कुछ लग तो नहीं रहा। मतलब जहां डबल बॉन्ड है उसको उसमें वही डाल दो और दूसरे से CO डबल। सिंपल। अल्टीमेटली आपको दो कार्बन का एसिड बनाना है बिना कुछ दिमाग लगाए। बोलो हाय ना। यदि ब्रांचेस वगैरह हो तो उनको मेंटेन रखो। अब यदि बात करें इस वाले कंपाउंड में क्योंकि सिमेट्रिकल है कहीं से भी तोड़ दो। अरे बोलो सर क्या बनेगा आपका? बोलो आईपीएसी कोड में तो कितना होगा? हेक्सेन 16 कोइक एसिड डायोइक एसिड COOH ऊपर आएगा ना? COOH कहाँ ऊपर जाएगा? ओपन चेन होएगा ना? ओपन चेन ऊपर रहेगा ना? सीओएच ऊपर वाले कार्बन पर रहेगा ना? क्लियर एकदम। क्या जाता है ये? कुछ नहीं सर, उसको जैसा बना हुआ है वैसा वैसा चाहिए। मतलब सीओएच थोड़ा घुमा देना। हाँ अरे स्ट्रेट लाइन है ये तो। हाँ 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 ठीक है ठीक। ओपन चेन वो तो रिप्रेजेंटेशन अपना है कैसे भी कर लो। हाँ हाँ टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 तो भैया ये हुआ हमारा ऑक्सीडेशन भी कंप्लीट।
और ब्रेक ले जी तुम्हारे पास पहला नहीं समझा उसमें CO2 क्यों बना क्या बेटा नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन is तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स खत्म ना हाँ कीटोन हो गया अब ये अलग टाइप की है ऑक्सीडेशन ही बीयर्स विलीगर ऑक्सीडेशन यूजिंग Per acid like कौन कौन से हो सकते भैया लिखा है इट इज आर सी ओ थ्री एच दैट इज पर कार्बोक्सिलिक एसिड सी एच थ्री सी ओ थ्री एच दैट इज पर एसिडिक एसिड pH CO3H that is per benzoic acid MCPBA that is metachloro per benzoic acid M M P S mono magnesium or sulfate Caro's acid Marshall's acid, तो कोई भी आप पर एसिड ले ले ये वाली रिएक्शन हो जाएगी फिलहाल में बात करें बच्चे आप बोलो एक सिमेट्रिकल कंपाउंड दे रहा हूं दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ इट इज आर रिएक्शन करा रहा हूं मैं यूजिंग आर सी डबल बॉन्ड ओ इट इज ओ ओ और यहां पे लगा दिया एच इन दैट केस ऑक्सीडेशन होगा इसमें इनसर्शन ऑफ ऑक्सीजन होगा दैट इज ओ आर थोड़ा सा राइट में आपको ऑक्सीजन को इंसर्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यहाँ पे एक तो बात ये बेटा कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्योंकि दोनों साइड आ रहे हैं अभी सिमेट्रिकल है यदि आर अलग होंगे तो कौन सा माइग्रेट करेगा किन किन के बीच में ऑक्सीजन आएगा एक तो ये देखना अपन को तो ये आपको माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड पता होना चाहिए और दूसरा ये देखना आपको कि इसके मैकेनिज्म वो आपको देखना है यहाँ पे मैकेनिज्म इज नॉट इम्पोर्टेंट तो बताइए मैकेनिज्म बताऊं क्या अजी आप देख लीजिए जरूरी है कि नहीं मैकेनिज्म ये समझना हो तो समझ सकते हो या तो थोड़ा राइट में कर दीजिए बोलो ओनली अप्रोच से काम चल रहा है तो बोलो चलेगा ठीक है सर ब्रो कुछ बता दीजिए पर सल्फाइड है ना वो कौन सा अरे वो एमएम मोनो के बाद क्या है मोनो मैग्नीशियम पर सल्फेट मोनो मैग्नीशियम पर सल्फेट लिख लिया सर अब भी दिखाए कैसे लिखेंगे बोलो भैया मैं बताऊं मैकेनिज्म के रहने दो सर एमसीपीबी का एक बार बोल दीजिए समझ नहीं आ रहा लास्ट में मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड बता दीजिए कैसे मतलब क्या है उसका आप सर बता दो चलो अपन एक काम करेंगे मैकेनिज्म सबसे आखिरी में देखेंगे इन केस यदि आपको रिक्वायर होगी ठीक है सबसे आखिरी में दिखा दूंगा उसमें उसको अप्रोच देखते सर पहले देखो अप्रोच लिखना अप्रोच इंसर्ट ऑक्सीजन एटम Insert oxygen atom between क्या क्या
insert oxygen atom between C double bond O सर सब आपको बिटवीन आपको डिस्कस करेंगे सर सी डबल बॉन्ड ओ एंड बेटर माइग्रेटिंग ग्रुप इंसर्ट ऑक्सीजन बिटवीन सी डबल बॉन्ड ओ एंड बेटर माइग्रेटिंग ग्रुप तो भैया माइग्रेटिंग टेंडेंसी पता आप लोगों को बोलो है ना आप लोग ऑर्डर ऑफ माइग्रेटिंग टेंडेंसी फॉर कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट सबसे ज्यादा किसकी बात हुई थी हाइड्रोजन देन फेनाइल एंड डेरिवेटिव्स इसके बाद में आएगा 3 डिग्री देन आएगा 2 डिग्री देन आएगा 1 डिग्री और सबसे आखिरी में क्या आएगा दैट इज मिथाइल अरे बोलो हाय ना ठीक है थोड़ा बोर्ड राइट कर देना प्लीज राइट MMPS का फुल फॉर्म क्या था मोनो मैग्नीशियम पर सल्फेट बात करें बच्चे अपन लोग ये तो सिंपल आपका माइग्रेन टेंडेंसी होता है लेकिन इस रिएक्शन के लिए हम नया ऑर्डर लिखेंगे तो लिखना आप लोग ऑर्डर ऑफ माइग्रेटिंग Tendency for process. तो भैया हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होता है उससे बाद में आएगा 3 डिग्री देन आएगा 2 डिग्री देन आएगा फेनाइल देन आएगा 1 डिग्री 1 डिग्री के बाद में आएगा मिथाइल ये आपको याद रखना तो यहाँ पे 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू फिनाइल लिया नहीं सर बेटर माइग्रेटिंग ग्रुप के बाद कुछ था क्या देन आफ्टर ये दोनों ऑर्डर लिखा है एक बार चाहो तो लिख देना इसमें CF3CO3H यदि स्पेस हो तो ये लिखा चुका हूं पहले है ना पर ऐसे डेंगी चलो कर दो रफ नहीं सर एक मिनट अरे एक मिनट सर सर MCPBA का फुल फॉर्म क्या है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड ये अपन लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इपॉक्सिडेशन में यदि याद हो तो यस सर तब ना MMPS की बात के लिए केरोस एसिड ना हाँ जी केरोस एसिड मार्शल एसिड अरे कहीं पर ये पर एसिड मिल रहा होता ना हाँ सर H2O को छोड़ के चलो कर दूँ रफ यस सर Now, Ligna, complete the following reaction. Complete the following Sir, reaction. Order mat mitana, ruk jao. Start karein.
सर वो जो आपने रिएक्शन लिखी थी उसमें रिएजेंट पैरासिट था ना क्या? हाँ पैरासिट था। यहां पर लिखा हुआ है पहला रिएक्शन दैट इज एम जी एम ई सी डबल बॉन्ड ओ, ये आ गया ई टी रिएक्शन का एम सी पी बी ए से। बोलो कहां पर जाएगा ऑक्सीजन? ई टी और सीओ में लगेगा कि एम ई और सीओ में लगेगा? बोलो ई टी और सीओ पे। क्या बनेगा कंपाउंड? That is Me C double bond O O Et। बोलो हाय ना, मतलब एस्टर बन गया। Next अभी मैंने लिखा यहाँ पे That is CS3 C double bond O It is H। क्या है भैया? That is aldehyde। लिख दिया RCO3H। बोलो क्या होगा भैया? Migrating CS से अच्छा है कि H अच्छा है? बोलो H। That is H। In that case क्या बनेगा? CH3COOH। Yes sir। अब ये रख कर दूँ? हाँ। नीलराज बाबू। हाँ सर। So next देखते हैं, बोलो। Third है आपका। That is PH C double bond O CH3। बोलिए क्या होगा भैया? HCO3H। क्या होगा? परफॉर्मिक एसिड। हमने लिखा था यहाँ पे, लिख दिया। कहाँ कहाँ आएगा? That is PH and O के बीच में say yes or no। सही है क्या? Yes sir। फोर्थ नंबर PH CHO। बोलो क्या बनेगा? PH CO OH। फिफ्थ नंबर दैट इज ME3 C C डबल बॉन्ड O PH। बोलो कहां पर आएगा? लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट राइट। इट इज ME3 C ऑक्सीजन C double bond O PH। अरे 3 डिग्री का ज्यादा होता ना माइग्रेटिंग पावर। हाँ सर, पहले फिनाइल का लिखा है ना आपने? नहीं, इस रिएक्शन के लिए अपने अलग लिखा ना। सिक्स नंबर डबल बॉन्ड O ये लिखा है CH3। बोलो कहाँ जाएगा? लेफ्ट और राइट? राइट। लेफ्ट और राइट? राइट। यार यदि मैं ये बात करें अपन लोग C डबल बॉन्ड O, तो ये यहां पर आएगा CH3। यस। और बोलो सही है क्या? यस सर। Complete the reaction। Complete the reaction। अरे बेयर्स में चल रहा है ना? हाँ जी। Complete the reaction। सीधे प्रयोग बनाऊंगा मैं। चलिए कर रहे हो? हाँ सर। बोलो बीच में आएगा, इस साइड आएगा कि इस साइड आएगा?
सिमिलर कंपाउंड बनेगा कोई दिक्कत बोलो लेफ्ट और राइट व्हाट आर डिग्री ऑफ डेड कार्बन अरे यहां पे सी डबल बॉन्ड तो लगा ही नहीं व्हाट आर डिग्री ऑफ डेड कार्बन 1-2 degree यस सर अब 1 डिग्री और यहां पर क्या है ये इन दैट केस क्या बनेगा सही है क्या सर सर जो अपने पहला वाला एग्जांपल हमें करने दिया था उसमें डबल बॉन्ड क्यों मतलब ऑक्सीजन वाला क्यों मतलब हमने रिजल्ट में नहीं लिखा मतलब ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड ये वाला हाँ वो गलती हो गई ठीक है लिख लो अच्छा भाई बोला ये कैसे हो गया तो इन दोनों में अच्छा माइग्रेटिंग ग्रुप कौन सा भैया दूसरा वाला मतलब वो दूसरा वाला इन दैट केस कहां पर आएगा ऑक्सीजन यहां पर ऑक्सीजन आएगा यस सर क्या बनेगा इट इज पीएच सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन और यहां पे लगा दिया मैंने इट इज ओएम की इन दोनों में बेटर माइग्रेटिंग कौन है बोलो पहले करा चुका हूँ बोलो आए ना याद है चलो रब कर दो भैया जी सर सर लास्ट वाला रन सर नीचे के दो रन है तो सर इलेक्ट्रॉन डो चलो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के केस में तो उल्टा होता था सर मतलब घटता था ना टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगता था तो घटता था ना टेंडेंसी तो नहीं so, लिखना नेक्स्ट एक स्टार पॉइंट विसिनल डाइकार्बोनाइल विसिनल डाइकार्बोनाइल स्टार पॉइंट है हाँ जी विसिनल डाई कार्बोनाइल विसिनल मतलब 1-2 पोजीशन बोलो है ना विसिनल डाई कार्बोनाइल फॉर्म्स एनहाइड्राइड मतलब लिखा हुआ है CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री दैट इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइल यदि इसका रिएक्शन CF3CO3S से करा दिया दैट इज कॉल्ड पर्टिफ्रिक एसिड इन दैट केस क्या बनेगा ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा बिटवीन बोथ कार्बोनेट और ये होगा सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री तो आपको कंप्लीट करना है ये रिएक्शन डबल बॉन्ड सर विसिनल डाइकार्बोनाइल MCPBA हाँ बोलो क्या बोले हो विसिनल डाइकार्बोनाइल फॉर्म्स के बाद क्या विसिनल डाइकार्बोनाइल फॉर्म्स एनहाइड्राइड इन दिस रिएक्शन डाइकार्बोनाइल फॉर्म्स एनहाइड्राइड के बाद क्या था इन दिस रिएक्शन चलो ये कर दो सेट वाला कौन सी रिएक्शन दोनों में से ये दोनों रिएक्शन लिख लो
उसी रिएक्शन को कंप्लीट भी कर लेना, हो जाएगी नहीं होगी? हो जाएगी सर। वो स्टार पॉइंट रिपीट कर देंगे प्लीज। मिथाइल डाइकार्बोनाइल फॉर्म्स एनहाइड्राइड इन दिस रिएक्शन। तो बोलो भैया, मैगनीन समझना है क्या? फिर से बोल रहा हूं मैं कि ये इंपॉर्टेंट जो कुछ था अप्रोच था, यदि आप कॉम्पाउंड बनाना सीख गए हैं जरूरी नहीं है मैगनीन समझो। ठीक है बोलिए सर। रहन दो, क्या करना है? डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, बोलो सही है क्या? हाँ सही है। क्या लिखा है? ऑल में नहीं है, आपको प्राइवेट है। अगर कीटोन की दोनों साइड स्टेट अल्काइल चेन है बट नंबर ऑफ कार्बन सेम नहीं है तो ऑब्वियसली जो बड़ा होगा बेटा है ना नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे वो माइग्रेट करेगा। ठीक है, यदि स्ट्रेट चेन है तो हो गया। अच्छा ये बताओ इसका क्या होगा? कर लिया तो सर फाइव मेंबर वाला बनाया था, अब कितना बन जाएगा? सेवन वाला नहीं, मेंबर दिया है तो नेट केस क्या होगा? सेवन मेंबर बन जाएगा। यस सर। फिर एक काम कीजिए सर, यहाँ पे आपने मिथाइल लगाना सर, उसके लेफ्ट साइड में आप इथाइल भी लगा दीजिए, फिर क्या होगा सर? डिग्री चेंज नहीं हो रही ना? हाँ यहाँ पर आएगा। ठीक है, जो बड़ा है वही टूटता है क्या? हाँ जो बड़ा है वही टूटेगा। अरे मिथाइल इज जीरो डिग्री ना। हाँ मिथाइल से अच्छा कौन होता है? वन डिग्री। नहीं लेकिन वो डायरेक्टली थोड़ा ना अटैच है मिथाइल से। किसके बारे में बात कर रहे हो? लास्ट क्वेश्चन अभी जब मैंने बोला सर उसमें इस वाले कार्बन के बारे ना। हाँ हाँ ये वाले कार्बन पे क्या लगा है? वन डिग्री वाला और दैट इज मिथाइल लगा है। यस सर। और यहां पर इथाइल लगा है तो डिग्री किसकी ज्यादा होगी? इथाइल। ओके जीरो डिग्री कहलाएगा और ये कहलाएगा वन डिग्री। यस ओके। तो यदि आप सेम डिग्री वाले ले आओ, दोनों वन डिग्री, एक इथाइल और एक प्रोपाइल ले आओ, तो प्रोपाइल वाला जाएगा। ठीक है, साइज फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। चलो आगे बढ़े, क्या आगे बढ़े क्या? यस सर। तो करो फिर मैगनीज की रहने दो सर। आप वो लास्ट वाला एक और बार समझा सकते हो क्या? कौन सा, ये वाला? हाँ सर। यदि यहाँ पर इथाइल होगा, इथाइल वन डिग्री हाई है ना? हाँ सर। सी एस थ्री जीरो डिग्री। हाँ सर। सी एस थ्री सबसे आखिरी में आता ना। हाँ सर। यदि इथाइल लगा होगा तो फिर ऑक्सीजन यहाँ पे लगे। अभी फिलहाल में मेरे क्वेश्चन में इथाइल नहीं था। ठीक है ओके। हाँ सर। ये लिखा इट इज ओ ओ एच, आयनाइज कर दो इसको, ये बनाएगा आर C double bond O, it is O, oxygen carry negative charge, बोलो सही है क्या? Plus क्या होगा? H positive, ठीक है? लिखा it is R, C double bond O, और यहाँ पर लिखा है क्या? It is दूसरा वाला R, इसके ऊपर ये attack करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि ये वाला bond टूट जाएगा, बोलो yes or no? In that case, क्या बनेगा? It is R C R oxygen carry negative charge. It is oxygen oxygen C double bond. Oh, it is R. कोई दिक्कत? No sir. अरे बोलो कोई दिक्कत? आगे बढ़े।
क्या हुआ भैया, यहाँ पर इस ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, इन दैट केस यहाँ से जो बेटर माइग्रेटिंग ग्रुप होगा, क्योंकि बोथ आर आर, इन दैट केस किसी को भी हटा दो तो आर चला गया इन द फॉर्म ऑफ आर माइनस, बोलो है ना, आर माइनस चला गया। इन दैट केस ये आर माइनस कहां जुड़ जाएगा इससे, इसको होने के लिए इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज होने के लिए ये वाला बॉन्ड मैं यहां ले गया, और ये वाला बॉन्ड यदि यहां पर है, इन दैट केस ये वाला बॉन्ड यहां पर टूट गया, सी क्या होगा देखते हो। एक तो आर एज इट इज है, सी ने डबल बॉन्ड बना लिया है, आर चला गया है, ऑक्सीजन पे आर लग गया है, यहां पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सी, ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज, दैट इज आर, कोई दिक्कत? अरे बोलो, इट इज कार्बोक्सिलेट, आर सी डबल बॉन्ड हो माइनस, समझा क्या? चलो आगे बढ़े, क्या कुछ और छोटे छोटे रिएक्शन देखते हैं अपन लोग? ऑक्सीडेशन हर तरीके से कंप्लीट कर दिया अपन ने, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी अभी तक की, कई बार पूछी जाती है। सर मैकेनिज्म छोड़ देना सर, हाँ बिल्कुल छोड़ दो, यदि नहीं लिखना तो बिल्कुल मत लिखो, है ना, और लिखो भी कैसे, लो लिख लो सर, रुको ना सर, लिखना था क्या, क्या करो मैं मैकेनिज्म का, जब मना किया ना मत, नहीं करना मतलब नहीं करना है ना, कुछ बात सुन लिया कर, ठीक है सर, ठीक है ना, अननेसेसरी अपन क्यों अपने आप को टेंशन दें, मैकेनिज्म समझना तो बहुत सारी रिएक्शन चालू होने वाली है, हमें मैकेनिज्म मैकेनिज्म का खेल रहेगा। चलो नेक्स्ट लिखना आपको, हेलोजिनेशन ऑफ अल्क, लिखना हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोनाइल, तो कार्बोनाइल में वैसे एक ही चीज होती है हेलोजिनेशन के लिए, दैट इज हेलो फॉर्म रिएक्शन या फिर हेलो फॉर्म टेस्ट। अरे बोलो सही है क्या? लिखना ऑल अल्फा हाइड्रोजन, ऑल अल्फा हाइड्रोजन गेट रिप्लेस्ड बाय All alpha alpha hydrogen get replaced by halogen। तो भैया कार्बोनाइल के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन होती है, एंड यू मस्ट गो अबाउट द कंडीशन टू फॉर्म हेलो फॉर्म। अरे बोलो पता है क्या, कंपाउंड शुड कंटेन विच ग्रुप, सी एस थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, बोलो हाँ है ना, ये वाला ग्रुप देगा, इन दैट केस हेलो फॉर्म देगा। अब मैंने बोला यहां पर लिखा है सपोज फॉर्मेल, सॉरी एसिड एल्डिहाइड रिएक्शन करा रहा हूं मैं किससे, लाइक दिया सीएल टू, अब कोई भी अल्कली चाहिए तो अल्कली के लिए बोलो क्या करते हैं, बोलो आइदर एन ए ओ एच ले लो, या फिर मैंने बोला ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, बोलो यदि याद हो तो एनएसीएल, तो क्या बनेगा एक और एन ए ओसीएल, ओसीएल दैट इज हाइपोक्लोराइड। अब हाइपोक्लोराइड बोल दिया है तो सीधे सीधा बोल दो ना कि ब्लीचिंग पाउडर भी यूज कर सकते हैं अपन लोग, दैट इज CaOCl2, यहां पर भी तो हाइपोक्लोराइड होता है। अब मैंने बोला अल्कली है, इन दैट केस अल्कली तो हमारा सोडियम कार्बोनेट भी होता, पानी में डाल के देखो यहां पर क्या चाहिए आपको, हेलोजन। या फिर मैंने बोला कि बाई कार्बो, सॉरी कोई भी कार्बोनेट ले लो प्लस हेलोजन ले लो, तो ये सारी रिएक्शन पर देखिए बच्चे अपन लोग अल्टीमेटली सारे के सारे हेलोफॉर्म टेस्ट होंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, सारे में क्लोरीन ऐड कर रहा हूं, इन दैट केस सबसे आखिरी में यहां पर मिलेगा इट इज CCl3 CHO, दैट इज नोन एज व्हाट, क्लोरल। अरे बोलो हाँ है ना, इट इज नोन एज व्हाट, क्लोरल। और क्लोरल का सबसे आखिरी में अगेन OH- से अटैक कराएंगे, इन दैट केस ये देगा CHCl3 प्लस रिमेनिंग पार्ट जो रहेगा वो बनाएगा इट इज HCOO- याद है क्या?
अरे बोलो नहीं। याद है नहीं एक्चुअली नहीं है यार नहीं यार नहीं यार बहुत बढ़िया नहीं है यार कोई दिक्कत नहीं क्या होगा जब हम एसीटोन का हैलोजिनेशन कराएंगे यूजिंग आई टू प्लस के ओ एच तो क्या चाहिए था आपको अल्कली और दूसरा क्या चाहिए था हैलोजन ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे दैट इज सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ दैट इज सी आई थ्री नेक्स्ट क्या होगा अल्कली से रिएक्ट करेंगे ये बनाएगा सी एच आई थ्री दैट इज येलो पीपीटी याद आया क्या तो जनरली रिएक्शन में क्या होता है आपको ए एंड बी के कंपाउंड के बेस पे क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देंगे यहाँ पे दूसरा क्या होगा हमेशा येलो प्रेसिपिटेट बनाते हैं क्योंकि क्लोरोफॉर्म कलर तो क्या होता है कलरलेस तो हमेशा वो रिएक्शन कराएंगे के टू प्लस सॉरी या के ओ एच प्लस आई टू या एन ओ एच प्लस आई टू या फिर के टू सी आर टू सेवन या फिर बात सॉरी के टू सी ओ थ्री या फिर एन ए टू सी ओ थ्री कुछ भी दे दिया अल्कली के साथ में तो अल्टीमेटली आपका ये हेलो फॉर्म देगा और हेलो फॉर्म के बाद में ये आप पर कितने कार्बन बच गए दो कार्बन तो सॉल्ट ऑफ टू एसिड बन जाएगा टू कार्बन एसिड दैट इज सी डबल बॉन्ड को इट इज ओ नेगेटिव दैट इज एसीटेटाइन तो यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए क्या ये रिएक्शन बेंजल्डिहाइड देगा अरे बोलो क्या बेंजल्डिहाइड ये रिएक्शन देगा Cl2 in presence of NaOH. So first of all, नहीं देगा. What is the reason behind it? Because इसके पास में acidic hydrogen नहीं है. But यदि मैंने बोला यहाँ पर लिखा it is PH C double bond O और यहाँ पर लिख दिया CH3. तो मिल गया ना C double bond और CH3. बोलो हाँ है ना? In that case मैंने लिख दिया it is NaOCl. क्या देगा आपका सबसे आखिरी में? That is CH3, sorry, it is CH Cl3 plus PH COO minus benzoate. आपसे एक क्वेश्चन कंप्लीट करने का बोला है क्या होगा जब हम लोग CH2 CH3 का रिएक्शन कराएंगे with bromine in presence of NaOH. भाई क्या हेलो फॉर्म बनेगा बोलिए क्या हेलोफॉर्म बनेगा यस सर तो हेलोफॉर्म की कंडीशन क्या होती है कंपाउंड शुड कंटेन दिस वन ग्रुप क्या ये ग्रुप आप इसके अंदर देख पा रहे हो बोलो सर क्लोरल के अंदर आपने वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है क्या सर कौन सा अल्फा वो अल्फा हाइड्रोजन थोड़ा ना सर क्लोरल वाले में क्या हुआ सर बस इतना बता दीजिए प्लीज चलो ये लिख लिया होगा आई थिंक सो ऊपर वाली रिएक्शन सर का प्रोडक्ट कहां पे आयन क्यों बना रहे थे सर एसिड क्यों नहीं बना रहे तुम लोग यार सब महान बच्चे हो यार मतलब सब बोल बाल गए ना सी कुछ ये था यस सर ये इस पर अटैक करेगा हां सर ठीक है पहले ये वाला बॉन्ड जाएगा फिर दोबारा बनेगा तब ये जाएगा नेम ऑफ द रिएक्शन बिकम्स एस एन ए ई अरे बोलो हाँ है ना अच्छा ठीक है ये बनेगा सी सी एल थ्री सी सी एल थ्री माइनस जो कि क्या होगा बेस होगा और बनेगा एच सी ओ ओ एच एच सी ओ ओ एच जो कि एसिड है जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा सही है सुनो नहीं कराइए हाँ, नहीं क्या मान बच्चो तो भैया यहाँ पर पहली बात तो ये CO तो सही है लेकिन CH3 होना चाहिए था इन दैट केस हेलोफॉर्म तो नहीं देगा बट दैट इज अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है आपका मोर रिएक्टिव होता है कार्बोनाइल के रिस्पेक्ट एंड व्हाट अबाउट द रीजन बिहाइंड इट कि C डबल बॉन्ड इज माइनस एम ग्रुप बोलो हाँ है ना तो यहाँ से यदि एक H को हटा दिया जाए दैट बिकम्स क्या होगा आपका एक कार्बन है और कार्बन है क्या होगा रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा जो कि माइनस एम के थ्रू स्टेबल होगा इन दैट केस
एक ही बात बोलूंगा, सभी अल्फा हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, लेकिन ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। हाँ जी ऋषिकेश बाबू सर, एक सेकंड, एक दो दूसरे वाले में आपने स्टार्टिंग में लिखा था कि ऑल अल्फा हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। हां जी, तो दूसरे वाले में तो 6 है ना, 6 के 6 के रिप्लेस। हां मैं वही पूछ रहा था, इन दैट केस सारे अल्फा हाइड्रोजन जाएंगे, ठीक है। अरे बोलो सर, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले यदि मैकेनिज्म को मैं ओरली समझाना चाहूं, सुनना मेरी बात, सबसे पहले OH अटैक करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को खींच लेगा। हाँ सर, ये जो भी है ये हाइड्रोजन एसिडिक है, लेकिन कंपाउंड इज नॉट एसिड ना। हाँ ठीक है, इससे एसिडिक हाइड्रोजन हटाने के लिए ऑब्वियसली देयर शुड बी बेस रिक्वायर्ड। हाँ तो मैंने यहां से एक H निकाल लिया। हाँ सर, एक H निकाल लिया। अब वो H निकाल के ये बन जाएगा अब क्या, एक न्यूक्लियोफाइल, वो आयोडीन को खींच लेगा, वो आयोडीन को जोड़ लेगा, ठीक है। हाँ तो वहां पर आयोडीन आ गया या क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, जो कुछ भी आ गया, तो दैट इज माइनस आई इफेक्ट। अब नेक्स्ट एच कहां से जाएगा, राइट से ही जाएगा कि लेफ्ट से जाएगा? तो बस कहते हैं कि माइनस एम, ये सॉरी माइनस आई इज डोमिनेंट फॉर हैलोजन, इन दैट केस रिएक्टिविटी और ज्यादा बढ़ गई, तो दूसरा भी यही से निकलेगा, तीसरा भी यही से निकलेगा। अरे बोलो है ना, और तीन हाइड्रोजन को हटा के मैंने तीन आयोडीन लगा दिए, बोलो ये सुनो। हाँ अब फोर्थ नंबर पे क्या होगा कि यहाँ पे ये जो है इसके लिए ये बेस की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज यहाँ पर एस एन रिएक्शन हो जाएगी। क्यों रीजन होगा? बिकॉज दैट इज अ गुड लीविंग ग्रुप, तो अब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, एंड दैट केस ये लीव कर जाएगा। यदि आपने OH को सीधे यहीं पर अटैक करा दिया, सी OH को आपने यहीं पर अटैक करा दिया तो क्या करो, कुछ नहीं होगा, कुछ हुआ क्या, वो निकल जाएगा। क्या CH3 एक लिविंग ग्रुप है? अच्छा नहीं है, पर है। क्या ये CH3 एक लिविंग ग्रुप? बिल्कुल है ही नहीं है लिविंग ग्रुप। अच्छा क्या है ही नहीं है ना लिविंग ग्रुप। यदि यहाँ पर हेलोजन लगा हो या कोई भी ऐसा ग्रुप हो जो माइनस चार्ज को स्टेबल कर दे, तब लिविंग ग्रुप बनेगा। तो हमने हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन लगा दो दिए। बेसिकली मुझे रिएक्शन कौन सी कराना थी, एस एन रिएक्शन, लेकिन एस एन रिएक्शन के लिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल था नहीं, समझा क्या? अरे बोलो, और यदि अच्छे समझना तो प्रॉपर तरीके से हेलोफॉर्म पढ़ाया तुम लोगों को, दैट इज क्लोरोफॉर्म, उसको देख लेना आप, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्या लिख लिया? चलो एक क्वेश्चन लिखने जाओगे तो बोलो। यस सर। आपसे पूछता हूँ, कुछ नॉलेज चेक करते हैं, पुराना वाला है। आपको बताना है CCl3 CBr3 and Ci3 को ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। बोलो पॉसिबल है? हाँ सर। क्या होगा ऑर्डर? सबसे लीस्ट स्टेबल बता कौन होगा? Ci3 माइनस CF3 माइनस
Ci3-। बोलो उससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? Cbr3-। उससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? CCl3-। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? अरे बोलो Cf3-। And what is the reason behind it? Size. अरे काय का साइज? बैक बॉन्डिंग। कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा किसको? क्लोरीन को। So that is 2p. That is 2p 3d. अरे बोलो है ना? Yes, ये फ्लोरीन में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इन दैट केस क्या होगा? ओवरलैपिंग नहीं होगी, बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। देखा है अभी ऐसा? यदि याद आया हो कुछ थोड़ा? हाँ सर देखा है। बट साइज के हिसाब से देखा जाए तो एफ सर पहले ही छोटा है और उस पे नेगेटिव चार्ज, और तो साइज के हिसाब से देखा जाए तो सर एफ पहले ही छोटा है और उस पे और फिर नेगेटिव चार्ज आने के बाद तो स्टेबल थोड़ी हो पाएगा ना। ये तो पता होगा ना, बैक बॉन्डिंग होता है इसमें। अरे हां सर सीएल में। हां बस ये एक्सेप्शनल इसलिए था। ठीक है देख लिया ऑर्डर था कि इसका ये नाउ ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिसिटी बोला था मैंने ना। देखो नेक्स्ट हेडिंग रिएक्शन विद PCl3/PCl5/SOCl2। ये रिएक्शन ऑलरेडी करा चुके हो आप लोग हैलोजन के फॉर्मेशन में, यदि याद हो तो बोलो क्या रिएक्शन विद PCl3 PCl5 और SOCl2 का हेडिंग क्या है? इट डजंट रिएक्शन। रिएक्शन विद PCl3 PCl5 और SOCl2। वैसे PCl3 ना भी लिखो तो चलेगा, इनके काम क्या होता है? ऑक्सीजन को खींच लेते और दो क्लोरीन छोड़ देते, क्या बनेगा? दैट इज आर आर सीएल सीएल। कौन सी पोजीशन बोलते हैं इसको? विसिनल। तो बोलो जेमिनल क्लोराइड। चलो और रिएक्शन कंप्लीट करो सर। SOCl2 के साथ तो वो ROH प्लस RCl दे रखना है। थोड़ा ध्यान रखो, यहाँ से ऑक्सीजन लेके SO2 बना देगा और दो Cl को छोड़ जाएगा, क्या बनेगा बोलो? क्या बोलेंगे इस कंपाउंड को? कॉमन नेम कोई बताएगा इसका? बोलो इसे। नहीं आता। बेंजाइलिडीन क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? कॉमन नेम इथाइलिडीन क्लोराइड है ना। चलो आगे बढ़े क्या? वो SOCl2 PCl5 में दोनों लेने हैं या कोई सा भी एक चल जाएगा? हाँ कोई एक ले लो ना। यदि SOCl2 होगा तो वो SO2 निकलेगा और PCl5 लेगा तो POCl3 निकलेगा। ओके ठीक है आगे बढ़े। तो एक इम्पोर्टेंट सर इसमें भी SNI होगा क्या? PCl5 वाले में PCl5 वाले में SOCl2 सिंगल दिया है, इन दैट केस SNI होगा। यदि यहां पर कोई बेस लगा दी लाइक पाइरिडिन लगा दी या टर्शियरी अमाइन तो SN2 हो जाएगा। ठीक है तो बस वो रिटेंशन और इन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट लगने लगेगा। फिलहाल में तो अभी कुछ भी नहीं दे रहा हूं। यहां क्या होगा जब PCl5 से रिएक्शन कराऊं
तो डेट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन. ये देगा आपका इट इज एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एल डेट इज फॉर्माइल क्लोराइड और फॉर्माइल क्लोराइड ब्रेक हो जाएगा इनटू सी डबल बॉन्ड ओ प्लस एच सी एल. डेट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन, याद रखना है आप. डन जी सर. कितने मिनट बचे? 20 मिनट हो रहे हैं ना. एक बार आखिरी वाली रिएक्शन बताओ ना कैसे हुई. आखिरी वाली रिएक्शन में देखो बेटा, यहाँ पर एक एच दिया है, एचसीएल निकल के बाहर हो जाएगा. हाँ सर. ठीक है, और एक सीएल क्या होगा यहाँ पर अंदर है. ठीक है सर. इट इज बेंजाइल क्लोराइड. बेंजाइल क्लोराइड सॉरी गलत बोल दिया. दैट इज फॉर्माइल क्लोराइड. हां सर फॉर्माइल क्लोराइड. और ये यदि हीट करेंगे तो क्या होगा, HCl बाहर हो जाएगा और CO अलग हो जाएगा. तो इसके ऊपर वाले में H वैसे नहीं करता क्या? हां तो मैं ये बोल रहा हूं ना, अकेला बस ये वाला केस आपको याद रखना, फॉर्मल्डिहाइड वाला. ठीक है ना, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होगा आपका. ठीक है ना, ऐसे आपको याद होगा कि फिनॉल की रिएक्शन अपन ने PCl5 से कराई थी, कुछ अलग टाइप से दिया था, याद है? ट्राइफिनाइल फॉस्फेट बनाया था. बोलो नेक्स्ट लिखो आप लोग. रिएक्शन विद डाई एजो मीथेन. रिएक्शन विद डाई एजो मीथेन. तो डाई एजो मीथेन क्या करता है बोलो? कार्बन सॉरी कार्बीन का इंसर्शन. बोलो आए ना. यदि मैंने इसका रिएक्शन कर दिया डाई एजो मीथेन से, डेट इज सी एच टू एन टू. तो यहां पर एक्टिव पार्ट क्या है? सी एच टू एन टू. तो जाने अब सी एच टू कहां जाएगा? मेटल माइग्रेटिंग ग्रुप. इन दैट केस क्या होगा? दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ. इट इज सी एच सी. मतलब एक एल्डिहाइड क्या होगा, कीटोन में कन्वर्ट होगा. यदि कीटोन ही होता इन दैट केस क्या होता? अरे बोलो. यदि इसका रिएक्शन विद सी एच टू एन टू से करा था तो यहां पर सर इसकी हेडिंग क्या थी? सी एच टू आर मतलब होमोलोग बन जाता. नेक्स्ट वाला रिएक्शन विद डाई एजो मीथेन लिख लिया. ये छोटी छोटी रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट भी है. डन. तो मतलब सिर्फ एडिशन ऑफ CH2 हो रहा है. हाँ जी, एडिशन ऑफ कार्बन है, CH2 मतलब कार्बन. हाँ. नाउ नेक्स्ट लिखो आप, पाइरोलिसिस ऑफ कीटोन. Pyrolysis of ketone oblique ketene formation. Pyrolysis of ketone oblique ketene formation. यार बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पे एसीटोन दिया हुआ. किसका फॉर्मेशन? अलग अलग तरीके से लिख रहा हूं मैं. ketene. Pyrolysis of ketone और ketene formation. C डबल बॉन्ड O, इसको लिख दिया मैंने CH3 और ये लिख दिया H और बेसिकली यहां से मीथेन को बाहर निकालना है. यदि ऐसा समझ में नहीं आया इन दैट केस CH2 को मैं नेगेटिव चार्ज और यहां से H को इन द फॉर्म ऑफ H प्लस बाहर निकालना हूं. ये हो गया C डबल बॉन्ड O, दैट इज CH3. यदि ये बॉन्ड बनाएगा तो ये सी एस थ्री नेगेटिव चार्ज चला जाएगा. एट रिएक्शन इज अकर एट 700 डिग्री सेल्सियस. इससे बनेगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, दैट इज अ कीटीन.
कैटेन एंड प्रोडक्ट होता है और इसकी फर्दर रिएक्शंस और भी होती है आपकी जो अपन लोग अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे। प्लस बनेगा आपका CH4। लिख लिया फिर वहां CH2 होगा। कहाँ पे? टॉप पहले वाले में ना। हाँ ठीक। चलो नेक्स्ट लिखो। रिएक्शन ऑफ एसीटोन। ये छोटी-छोटी रिएक्शन इसलिए एक साथ लिखा रहा हूँ। सर बस एक बार। चलो लिख लो लिखो। डन। सर एक मिनट। कल कौन कौन आएगा डीसीएस के लिए? प्रत्युष के अलावा और कोई आएगा? कल था क्या डीसीएस? हाँ यस सर, मैं भी आया था, मतलब ज्वाइन किया था। सवा पंद्रह बजे सवा हो गया सर। आज बताओ डीसीएस कितने बजे आना है? किरण नो बता दो सर। बता दीजिए सर। पेपर डिस्कशन ना तुम लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। अरे मोबाइल भी चल नहीं रहा। नेक्स्ट लोगों आप लोग रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद क्लोरोफॉर्म। रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद क्लोरोफॉर्म। हाँ जी। तुम लोगों 3773 वाली आईडी पता है क्या? 3773 वाली आईडी? हाँ पता है। 11 वालों को मैसेज आता होगा, तुम लोग भी देख पाते हो उसको? नहीं नहीं, बस बर्थडे सर ने बताया है। हाँ जी। बर्थडे सर ने देख पाते। चलो वही 7 बजे है ना, 7:15 बजे आज। सर वो 11th वाले में कोई नहीं आता है? 11th वाले में आते हैं, वो लोग ऐसे बैठे रहते हैं दूसरे का चेहरा देखने के लिए, वो जाते हैं नहीं वो लोग। तो भैया क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करा रहे हैं अपन लोग। लिखा है CH3 इट इज सी डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड तोड़ दिए। लिखा है इट इज CHCl3, यहां से एच चला जाएगा तो एक साइड क्या होगा कार्बन और एक साइड कौन होगा हाइड्रोजन चला जाएगा और यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा डेट इज CH3 इट इज CCl3 डेट इज नोन एज व्हाट? क्लोरीटोन। अरे सुना है क्या क्लोरीटोन किस काम में आता है? नहीं सुना। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड। कुछ नहीं बेटा, ये पेपर का डिस्कशन है ना, यदि किसी को करना हो तो। इंसेक्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड। सर ये बताओ क्या ये टीयर गैस भी है? नहीं नहीं। टीयर गैस कौन सी होती थी? क्लोरोपिक्रीन। नाइट्रो क्लोरोफॉर्म। ठीक है क्लोरोपिक्रीन रहता था ना। हाँ तो क्लोरोपिक्रीन बोल रहे हैं नाइट्रो क्लोरोफॉर्म। दैट इज मच बेटर ना, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करने पर बनता है। लिखो नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद HNO2। रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद HNO2।
लोग परेशान मत हो ना, सड़ी सड़ी रिएक्शन है, छोटी छोटी रिएक्शन याद हो जाए तो ठीक है, एटलीस्ट एक बार देख लो। CH3 C डबल बॉन्ड O, इट इज CH डबल बॉन्ड, इट इज NOH, दैट इज नोन एज व्हाट, ऑक्साइम। अरे बोलो, तो नाम होगा इसका ऑक्सीमाइनो एसीटोन। तो क्या मैं इसको एसीटोन ऑक्साइम लिख सकता हूं? अरे बोलो, पर्सनल आईडी पर बैठे ना, क्या इसको मैं एसीटोन ऑक्साइम लिख सकता हूं? पता नहीं। हेलो, नहीं पता, छोड़ो। हाँ, जिसने पेपर डिस्कस कर लिया था वो लोग ना आए चाहे तो, पर्सनल आईडी 7:15 है ना, 7:15 से लेके 7:45। मतलब सर ऑप्टिमाइजर बी की तो क्लास है, ऑप्टिमाइजर बी की क्लास कौन सी भैया? यस सर, फिजिक्स की 7 to 8:20। सर तो डीसीएस नहीं है क्लास, थोड़ा पहले कर लीजिए ना सर, क्योंकि कल तो डीसी क्या और कोई टाइम फ्री नहीं है क्या सर? और डाउट्स वगैरह हैं क्या आपके? डाउट्स भी हैं सर। चलो मैं आईडी दे रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ ना, हम आईडी और फेस वाली आईडी मुझे चेक करना पड़ेगी ना कि क्लास छोड़ूंगा उसके बाद बताऊंगा, 10 मिनट है ना मेरे पास अभी भी। यस सर, 10 मिनट में अपन बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। 7 बजे फिजिक्स की भी क्लास है। हाँ तो ठीक है ना, 7 बजे नहीं होगा फिर, उससे पहले 11th वाले डीसी से गुजरना तुम लोग, ठीक ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन, एल मतलब एल्डिहाइड और मतलब अल्कोहल, इसमें दोनों ही होते हैं, उसको बोलते हैं बल्लो एल्डोल कंडेंसेशन, दैट इज कैटेगरी एन ए आर, एन ए आर स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। तो एनआर लौट के आई है अपने फिर से, वो बड़े लेवल पे आई है ना, इसे बहुत सारी रिएक्शन देखना पड़ेगा। लेकिन आप लोग अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप In presence of alkali, give aldol. Sir, एक बार repeat कर दीजिए ना। आप बिल्कुल repeat करूँगा बेटा, लिखो alpha hydrogen containing carbonyl compound in presence of alkali. In presence of alkali, give aldol. Bracket में चाहो तो लिख देना आप लोग अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, ब्रैकेट क्या लिखोगे? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल विच ऑन फर्दर हीटिंग, विच ऑन फर्दर हीटिंग गेव अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, विच ऑन फर्दर हीटिंग गेव
अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड सर हीटिंग के बाद में क्या है विच ऑन फर्दर हीटिंग हाँ जी सर हीटिंग के बाद में क्या है हेडिंग सर हीटिंग विच ऑन फर्दर हीटिंग गिव अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल यहां पर एक करेक्शन कर लो यहां पर मैंने अल्फा हाइड्रोक्सी लिखाया था याद है क्या एल्डोल में क्या सर अल्फा हाइड्रोक्सी लिखाया था मैंने यहां पे ब्रैकेट में हाँ उसको बीटा हाइड्रोक्सी कर लो सुनते भैया अपन लोग यहां पर सबसे पहले एक छोटी सी रिएक्शन लिखते हैं अपन लोग देन मैकेनिज्म समझेंगे लिखा भैया यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो गया H व्हाट इज द कंडीशन कंडीशन है कंपाउंड में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए क्योंकि कंडेंसेशन है इन दैट केस क्या है कि दो मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे जुड़ जाएंगे अरे बोलो है और कंडेंसेशन का मतलब ये भी होता है आपका कि दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो सही और साथ में कुछ रिमूवल ऑफ सब्सटेंस भी होगा तो यहाँ पर वॉटर का रिमूवल होता है अब कॉन्सेप्ट समझाऊंगा एज वेल एज अप्रोच भी समझाऊंगा तो यहाँ पर देखिए बच्चे आप लोग सबसे पहले तो मैंने बोल दिया अल्कली यूज करना है तो अल्कली में साक्षात OH ले लिया किसी ने बोल दिया KOH ले सकते हैं आप लोग या फिर NaOH ले लो या फिर सोडियम कार्बोनेट ले लो या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर BaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं अपन लोग स्लैक लाइन बोलो है ना बेरियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं बोरिक एसिड हाँ जी नहीं सॉरी सर वेरिटा नहीं सुना वेरिटा नहीं सुना अरे बोलो व्हाट इज द कलर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल्कीनेस आती है ना CO2 पास करने पर यस सर तो बेरियम हाइड्रोक्साइड में भी आती है क्या आंसर इज यस ठीक है पता होना चाहिए ये हो गया CH3 CO दैट इज अल्फा बीटा तो बीटा हाइड्रोक्सी है दैट इज एल्डोल इसको हीट करेंगे हम तो यहां से OH और यहां का H चला जाएगा इन दैट केस कॉन्जुगेटेड या फिर अल्फा बीटा कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाएगा तो इस कंपाउंड को यदि मैंने डायरेक्टली बनाना है इस कंपाउंड को मैंने डायरेक्टली बनाना है तो मेरे पास में दूसरा अप्रोच है कैसे बना सकते भैया तो लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड को इट इज H2CH CHO तो एक के अल्फा हाइड्रोजन एक का कार्बोनाइल आपस में कंडेंस हो जाएंगे और बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन ऑफ क्या करेंगे आपका कंडेंस प्रोडक्ट तो दैट इज कंडेंस प्रोडक्ट और ये आपका मेन प्रोडक्ट दैट इज प्रोडक्ट चलो समझ रहे मैकेनिज्म समझाऊं क्या यस सर अभी है टाइम अपने पास में चलो मैकेनिज्म तो बिल्कुल कर सकते हैं फिर शुरुआत करते हैं हम शुरुआत से सबसे पहले व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अल्कली बोलो बेस क्या कर सकता है बोलिए एसिडिक हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है इन दैट केस क्या होगा सी डबल बॉन्ड को CHO लिख रहा हूं अब बात करें बच्चे अपन लोग दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल अब एक बात और बोलूं डबल बॉन्ड को लगा दे रहा हूं दैट इज बेसिकली रेजोनेंस स्टेबलाइज बोलो हाँ है ना क्या बना लेगा
CH2 डबल बॉन्ड CHO नेगेटिव चार्ज दैट इज एनोलेट आयन बोलो है ना याद आया कुछ टॉटोमर इसमें तो अमंग देम विच वन इज मोर स्टेबल फर्स्ट वन और सेकेंड वन सेकेंड वन इज मोर स्टेबल मुझे तो रिएक्टिविटी कराना सेकेंड वन से क्या मतलब मैं यहां पे लौट के आता हूं लिखा है आपका स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू लिखा है सी एस थ्री इट इज सी डबल बॉन्ड ओ इट इज एच और यहां पर मैंने रिएक्शन कराई है सी एच टू नेगेटिव सी एच ओ की दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो यहां पर क्या लग जाएगा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बोलो हाँ इन दैट केस क्या होगा दैट मस्ट बी आर डी एस स्टेप जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता सब्सट्रेट के ऊपर लिखा सी एच थ्री सी इट इज ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज इट इज एच सी एच टू इट इज सी एच ओ बोलो हाँ या ना कोई दिक्कत अब यहां से हम लोगों ने वाटर बनाया था वाटर की फर्दर रिएक्शन कराएंगे इन दैट केस इसका प्रोटोनेशन होगा क्या बनेगा सी एच थ्री इट इज सी एच ओ एच सी एच टू सी एच ओ और यदि इसको हम हीट कर दें तो यहां से एक हाइड्रोजन और एक OH निकल जाएगा तो फाइनली ये वाला कंपाउंड बन जाएगा जो कि एक्चुअल में क्या है कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन कोई दिक्कत भैया नो सर बोलिए की पॉइंट लिखा दूं हिकल करेंगे एक पहल कर H2 निकल जाएगा तो वहाँ H कैसे बचा रहेगा क्या जब H2 निकल जाएगा स्टेप वन में तो वहाँ H कैसे बचा रहेगा H2 निकल जाएगा मतलब पहले स्टेप में माइनस H2 के ना H निकल जाएगा फिर H के बचेगा CH3 से निकलेगा अच्छा ओके सर एक बार आप एल्डोल का वो पॉइंट रिपीट कर सकते हो कि आपने क्या बोले थे अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनाइल इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली गिव एल्डोल व्हिच ऑन हीटिंग गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड सर आप अटक गए और इंटरनेट इशू हो रहा है इधर कोई दिक्कत नहीं टाइप कर देते हैं